उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कई योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। वहीं बजट में सड़क निर्माण के लिए 13,48,00,000 रुपए मेरी गाँव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकास खंड में 2 सड़क निर्माण के लिए दिया जाएगा। वहीं अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12,28,00,000 देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़ तो मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, गौ सदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। वहीं 1,750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति मिली। स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1,600 करोड़ रुपए की योजना व 14,387 करोड़ की सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी।